श्री शिवाय नमस्तु भी हम फ्रेंड्स, अभी हम सिलीगुड़ी हैं। यहाँ पे एक मकान की वास्तु कंसल्टेंसी चल रही है, पूरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम इस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के रूम में आए, यानी नॉर्थ ईस्ट जोन में आए, तो यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे क्या क्या एंटी कलर्स है। पहले सबसे पहले हमने वास्तु के अंदर एंटी कलर्स देखने की कोशिश की, तो यहाँ पे आते ही हमें पता चला कि यहाँ पे रेड कलर बहुत पड़ा हुआ है। तब ये रेड कलर की एक यहाँ पे इनकी कम्बोर्ड है, यानी एक कबाट है। फिर यहाँ पे सिटिंग एरिया भी रेड कलर का किया हुआ है और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी रेड कलर का फर्नीचर है। अब ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में हमेशा जल तत्व है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में काश तत्व, यानी वहाँ पे भी जल तत्व ही है। क्योंकि थोड़ी डिग्री की अगर मिस्टेक होगी तो ये पूरा जल तत्व का ही एरिया है। जल तत्व यानी पानी, पानी हमें धन देता है। अब धन के स्थान पे ही यहाँ पे फायर आ गया, अग्नि रूपी फायर आ गया, यानी रेड कलर फायर को क्रिएट कर रहा है। तो अग्नि और जल के आपस में यहाँ पे एंटी एक्टिविटी हो गई, तो जल ने अपना काम बंद कर दिया। उसने उस जल का काम क्या हो गया कि भाई अब हम अग्नि को शांत करेंगे। तो यहाँ की जो भी कुछ वाटर एलिमेंट की जो भी शक्ति थी, वो शक्ति इस अग्नि को शांत करने में लग गई। तो जल की शक्ति जब इसमें कार्यरत हो गई, तो जल क्या हमारे ज़िंदगी में लाता है, धन लेके आता है। तो उसने धन लाना बंद कर दिया, तो नए नए धन कमाने के अवसर इस घर के अंदर बंद हो गए। उसी तरह अग्नि ने क्या किया कि अब मैं जल के साथ फाइट कर रहा हूँ, वो अपना अस्तित्व यहाँ पे जमाने के लिए जल के साथ फाइट कर रहा है। तो अब जल और अग्नि के बीच में जो फाइट चल रही है, तो अग्नि ने भी अपना जो मेन काम था, प्रकृति ने उसको सौंपा था फायर का काम। फायर यानी ऊर्जा देना, यानी कहीं पर भी धन को बढ़ाना। तो इस घर के अंदर धन आना भी अटक गया और धन बढ़ना भी अटक गया, मीन्स सेविंग होनी भी अटक गई। तो ये एंटी कलर की पूरी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गई, जिससे क्लाइंट की कंप्लेन थी। और क्लाइंट ने हमें कब कनेक्ट किया, जब उनके जीवन में कोई कंप्लेन आई, उनके जीवन में संजोग आया, तभी उन्होंने वास्तु को देखा। पर उनका जो भी जीवन का मेन प्रॉब्लम यहाँ पे अटका हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी भी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी हुई है, पर बेसिकली सब कुछ यहाँ पे अटका हुआ है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे उन्होंने यहाँ ब्लू क्रिएट भी किया हुआ है। ये एकदम फर्नीचर भी देखोगे तो ब्राउन कलर सा हो गया है, यानी ब्राउन कलर एकदम मजंता ब्राउन हो गया है, वो भी रेड कलर के कॉम्बिनेशन में ही हो गया है। वुडन कलर होता है तो भी चलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक ओरा स्कैनिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पे ये पूरी प्रॉपर्टी की फर्नीचर की फोटो शूट कर रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे आपको क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। फिर मैं इसकी ओरा स्कैनिंग लूंगा प्रॉपर फर्नीचर की। ये जो ओरा स्कैनिंग आएगी वो नॉन लिविंग आएगी। अब नॉन लिविंग ओरा स्कैनिंग मैं यहाँ पे करूँगा, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या परसेंटेज निकल के आ रहा है। तो आप देखते रहिए, यहाँ पे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपकी फोटो शूट हो चुकी है, आप उधर से देख सकते हो। आपको भी दिख रहा है, सब देख लीजिए। ये फर्नीचर दिख रहे हैं आपके, रेड रेड रेड, ये कलर भी आपका आ गया है, बट फर्नीचर यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। और ये क्या मैक्सिमम है, थोड़ा बहुत होता है तो हम चला लेते हैं, पर मैक्सिमम है तो इसकी भी ऊर्जा क्रिएट होती है। अब मैं यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा हूँ, क्या निकल के आ रहा है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने परसेंटेज दिख रहा है, खाली यहाँ पे 10% ही है। अब इसका मैं पूरा रिवर्स कर रहा हूँ एक। तो देखिए, यहाँ पे अब आप देखोगे तो 10%, ये जो पॉजिटिव ग्राफ है ना, 10% है। अब पॉजिटिव 10% है तो 90% क्या हो गया, नेगेटिव। तो 10% पॉजिटिव है, 90% नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये बेड, यानी इसका अगर आप पूरा देखेंगे इस रिपोर्ट का, तो ये पूरा प्रॉपर्टी एनर्जी रिपोर्ट की कंडीशन जो है बेड है, घर की बेड की नहीं, ये फर्नीचर है, नॉन लिविंग है। अब उसी तरह यहाँ पे एक और एक चीज पॉजिटिव है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज पड़ी है, उसकी क्या थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने एक चीज टूडी रेमेडी की हुई है, ये बहता हुआ पानी। यहाँ पे इन्होंने उसकी उन्होंने एक फोटो भी लगा रखी है, जिससे क्या पॉजिटिविटी जनरेट होती है। तो अभी हम यहाँ पे एक साइड हमने एक एनर्जी स्कैन की नॉन लिविंग फर्नीचर की, तो वहाँ पे 10% पॉजिटिविटी निकली है। अब इसकी हम देखते हैं, अगर इसकी भी अगर कम पॉजिटिविटी आएगी तो समझना क्या कि कहीं पे स्कैनर में मिस्टेक है। अगर ये एनर्जी पूरी अच्छी तरह जनरेट हो रही है तो हम कह सकते हैं कि स्कैनर में के रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
अब देखिए मैं वो जल तत्व की जो फोटो है उसको स्कैन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सिग्नल आ गया है। अब देखें यहाँ पे पढ़िए क्या रहा है, 100% एक्सीलेंट। ओके इसको सबमिट कर रहे हैं, वापस इसको व्यू कर रहे हैं, ये आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई और 100% एक्सीलेंट, यानी यहाँ पे कोई ये 100% दिखा रहा है, ये 90% नेगेटिव दिखा रहा है, पर मैक्सिमम कौन सा एरिया है इस चीज का। तो इसको आप कम कर देंगे तो ये जल तत्व आपको धन लाभ देगा। और वही समस्या है ना, पैसा आ नहीं रहा और जो है वो बच नहीं रहा, अधिकतर खर्च हो रहे घर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा एक लाइव सेशन था सिलीगुड़ी के अंदर हमने किया हुआ है लाइव विजिट पे। तो आप भी अपने घर की कोई भी प्रकार की एनर्जी स्कैन करवाना चाहते हैं तो आप भी अपना एक फोटो भेज सकते हो, उस फोटो को हम यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, पर उसमें जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। ये प्रत्यक्ष रिजल्ट है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मैं इस जगह पे हूँ, मेरे स्कैनर इसकी ओरा स्कैन कर सकते हैं, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, आप देखेंगे तो सब जगह सेंसर है यहाँ पे जिससे ये ओरा स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।